अब तत्मोज कमुदिकार वाचित मिश्र अपने अनुसार इन अष्ट सिद्धियों की व्याख्या कर ली है, विभिन्न संज्ञाओं का उनको वर्णन किया प्रमोद मुहित मोद मान पर्यंत। और अब गौड़पाद भाष्य का कि दृष्टिकोण में क्या है अष्ट सिद्धियां उसके बारे में संक्षिप्त कथन करते लिख रहे, अन्ये तो आहु व्याचक्षते, अन्य व्याचक्ष अन्य लोग इन अष्ट सिद्धियों का ऐसे व्याख्यान करते हैं। क्या व्याख्यान करते हैं? विनोपदेशादिना प्राग्भवी अभ्यास वशात तत्व स्वयं ऊहनम यत सा सिद्धि ऊह। इस जन्म में बिना गुरु का उपदेश का, इस जन्म में उसने गुरु किसे उपदेश पाया नहीं। बिना उपदेश आदि ना 51वीं कारिका है, 51वीं कारिका की टीका है, अन्य व्याचक्षता है। बिना उपदेश आदि ना प्राग भवीय मैंने पूर्व जन्म में जो अभ्यास किया था उस वजह से इस जन्म में तत्व स्वयं वह, तत्व का स्वयं वह को कर लेने का नाम पहला सिद्धि है वह। उन्होंने तो क्रम बदला ही नहीं, इन्होंने क्या किया था, क्रम बदल दिया, अध्ययन शब्द ऊ ऐसे क्रम रखा है इन्होंने। अध्ययन का अर्थ शब्द राशि ग्रहण करना, शब्द का अर्थ ग्रहण करना, फिर उसका ऊ और जिसको को श्रवण में ले लिया, दो दो को श्रवण मंडित ध्यासन करके लिया। ये ऐसा नहीं ले रहे, जो क्रम है कार्य का उस क्रम में जैसा है वैसे ही क्रम से ले रहे हैं और उसके उसके लिए वो अपने भी तरीके से उसका अर्थ घटा रहे हैं। यस्य सांख्य शास्त्र पाठम अन्वयम आकरण्य तत्व ज्ञान उत्पत्ते सा सिद्धि ही शब्द शब्द पाठ अनंतर भावात्। यस्य सांख्य शास्त्र पाठम अन्वयम आकरण्य, पहले जन्मों से पढ़ा है, अभ्यास हो गया है, लेकिन इस जन्म में जन्म के बाद से ही उसके अंदर स्मृति नहीं आई और स्वयं ही उसके अभ्यास को आगे नहीं बढ़ा पाया, स्वयं उसके अंदर स्मृति नहीं जगी तो अभ्यास कैसे करेगा, नहीं कर पाया। लेकिन दैववशात या संयोगवश मान लो कोई सांख्य सूत्रों का या सांख्य कार्य के पाठ कर रहा था, कोई कर रहा है और करता हूं किसने सुन लिया, वो कार्यक्रम को सुना है दुख त्रय विघाता, सुनते ही बरस के अंदर सारी स्मृति हो गई पिछले जन्म का। पहले वाले में स्मृति क्या हो गया ना, पहले वाले को किसी अन्य के द्वारा शब्द पढ़ा पढ़ता होगा सुनने की जरूरत नहीं, स्वयं ही वो अंदर संस्कार इतना प्रबल थे पूर्व जन्मों का, स्वयं ही सांख्य शास्त्र का स्मृति हो आई और उसका चिंतन अभ्यास करने लग गया। यानी दूसरा वो है जिसको स्वयं स्मृति जगी नहीं है किंतु जब उसे दूसरे के पढ़ता हुआ सुना सांख्य कारिकाओं को या सांख्य सूत्रों को तब उसकी स्मृति जगी, उसने गुरुओं से पढ़ने की जरूरत नहीं, इसको भी उपदेश की जरूरत नहीं, अभी भी कोई पढ़ रहा है जैसे आजकल तो माइक ला के गीता पाठ करते कुछ करता है ना, वैसे पहले जमाने सांख्यों की गुरुकुल अलग चलती थी, जैसे आजकल मुसलमानों का अपना गुरुकुल है, ईसाइयों की अपनी गुरुकुल है, आप हिंदुओं का अपना अलग गुरुकुल है, सब अपनी अपनी पढ़ा रहे कि नहीं पढ़ा रहे। पहले जमाने में ईसाई पैसा तो थे नहीं, ये तो 2000 साल की कहानी है ना, 1450 साल और 2000 साल की कहानी है, उसे पहले तो थे ही हिंदू और कोई दूसरे तो थे ही नहीं। इसे चिन्मयान जी बोलते हो घबराते कि वो आदो अंते चिन्नास्ते वर्तमाने पिता तथा, घबराओ मत जो पहले नहीं थे बाल नहीं रहेंगे, ये तो वर्तमान के दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए ये सब आए गए मेढकों के से टटारने वाले घबराना नहीं, पहले भी हिंदू थे अब भी हिंदू हैं बाद में हिंदू ही रहेंगे, इनकी संख्या बढ़ रही है उनके विनाश होने के लिए, उनकी ही आपस में भिड़ंत हो और नाश होना है उसके लिए इनकी संख्या बढ़ रही है, उसकी संख्या से घबराओ मत बोलते थे चिन्मयान जी महाराज। शास्त्रानुसरण जो आदि में और अंत में नहीं रहता मध्य में भी वास्तव में नहीं है, क्यों इसका अस्तित्व तो स्वयं उसके अस्तित्व बढ़ा रहे हो, ये कहते आप लोग स्वयं इसके अस्तित्व बढ़ा रहे हो, नेताओं को मौका दे रहे हो और नेता इस लोगों को संतुष्टि करके वोट के चक्कर गड़बड़ कर रहे हैं, कहते आप भूल जाओ ये है भी ये कौम है ये बात भूल जाओ तो अपने आप सब सही हो जाएगा। यहां इनका कहना है कि देखो
उसको पहले से संस्कार थे लेकिन अपने आप जागृत नहीं हुआ था स्वतः ही, इसे दूसरा पाठ कर रहा है अपना गुरुकुल में और रास्ते में चलते चलते उसको सुनाई दिया उसे संस्कार जग गए तो उसका चिंतन करने लगा। उसको हम कहते हैं शब्द नामक सिद्धि, शब्द पाठ अनंतर भाव, कि शब्द पाठ का श्रवण के अनंतर जगाना इसको, इसलिए इसको कहते हैं शब्द सिद्धि। ये सो शिष्य आचार्य संबंधे न साहित्य शास्त्र ग्रंथ तो अर्थ अधिक्य ज्ञान उत्पत्ति है साध्यन हित का सिद्ध अध्ययन। उसके बाद वो तीसरा कोटि वाली सिद्धि वो है और निम्न कोटि का अधिकारी है, सब सुनने के बाद भी उसको कुछ भी स्मृति नहीं आ रही है, एक क्या पढ़ रहे हैं पता नहीं, क्या बोल रहे, बड़बड़ हो रहा है, कुछ हल्ला हो रहा है। जिज्ञास अंदर गया, देखते हैं क्या होता है, यहाँ पंडित लोग बेटे क्या कर रहे हैं, क्या बोलते हैं ये। गया तो फिर गुरु बोल रहा है, शिष्य सुन रहा है, चिंतन हो रहा है सांख्य शास्त्र का, सुनने के बाद उसको थोड़ा थोड़ा जिज्ञासा जगी, वही तो कोई मोक्ष शास्त्र का चिंतन हो रहा है, संसार के बंधन से मुक्ति की बात कह रही है, तो उसकी जिज्ञासा बढ़ी, वो भी वहां शारीरिक हो गया, शामिल होकर के सारा सुन लिया, अभी शिष्य बना, पूरे सांख्य शास्त्र सुना और चिंतन करने लगा। ऐसा शास्त्र ज्ञान को प्राप्त करके जिसका चिंतन चलता हो उसको हम कहते हैं अध्ययन सिद्धि वाला। तो वो सिद्धि वाला पूर्व जन्म का स्वतः स्मृति जगना, शब्द सिद्धि वो है पुरुष जिसको किसी अन्य के पाठ किए जाने पर सुनने पर जागृत हो गया स्मृति हुई, और तीसरा वाला और निम्न कोटि का है, सुनने पर स्मृति जगी नहीं किंतु गया शिष्य बना और गुरु शिष्य का अध्ययन हो पूर्वक ही सांख्य शास्त्र ज्ञान हुआ, तत्पश्चात मरण ध्यान होने लगा, वो अध्ययन सिद्धि वाला माना जाता है। वही कहते यस्य जिस व्यक्ति के अंदर शिष्य आचार्य संबंधे न शिष्य और आचार्य के संबंध के द्वारा सांख्य शास्त्र ग्रंथतः सांख्य शास्त्र को शब्दशः अर्थशः अधीत्य ज्ञान उत्पत्ते ज्ञान को उत्पन्न कर लेता है सा अध्ययन हेतु का सिद्धि, वह अध्ययन हेतु का सिद्धि होने से उसका सिद्धि का नाम भी रख दिया अध्ययन सिद्धि। सुहृत प्राप्ति रीति यस्य अधिगतत्वं सुहृदं प्राप्य ज्ञान उत्पत्ते सा ज्ञान लक्षण सिद्धि तस सुहृत प्राप्ति ही। यस्य अधिगतत्वं सुहृदं प्राप्य ज्ञान उत्पत्ते, अब ये चौथा वो आदमी है जो गुरुमुख से सुन लिया पढ़ लिया, पढ़ लेने के बाद भी मन में अभी भी उसको थोड़ा संशय, तो गुरु जी ने तो बोल दिया, हमने सुन तो लिया ठीक है लेकिन कुछ ठीक भी नहीं है, संशय भी ग्रस्त आदमी, ऐसी स्थिति वाला वो संशय को ले लेकर के जगह जगह जाता था और अपने संशय को बोलता था, तो कोई ऐसा सत्पुरुष मिल गया, सुहृत पुरुष मिल गए, वो पुरुष मिले, उन्होंने उनको समझाया तो संशय उनको पूरा दूर कर दिया, तब उसको वास्तव में सांख्य का ज्ञान उत्पन्न हुआ, अधिगत तत्व का वास्तविक ज्ञान, तब निसंशय ज्ञान उत्पन्न हुआ, संशय रहित ज्ञान उत्पन्न हुआ, पहले संशयुक्त ज्ञान था गुरु श्रवण मात्र से अध्ययन काल में, और अब सुहृत प्राप्ति से, पहले सुहृत किसको कहते हैं, सहपाठी लोग या अन्य कोई आचार्य जो आपके संशय का निवारण कर ले, इसलिए अध्ययन सिद्धि वाले से थोड़ा और निकृष्ट कोटि का था, इसके सुनने के बाद संशय रह गया था, वो संशय को निवारण किया सुहृत पुरुषों ने, और उस निवारण के द्वारा जो उत्पन्न संशय रहित विशुद्ध ज्ञान जो सांख्यिक ज्ञान हुआ, तार्श ज्ञान प्राप्त हुआ जिस सिद्धि से, उस सिद्धि का नाम रख दिया, इसलिए सुहृत प्राप्ति ही। दानंच सिद्धि हेतु तो, और दान से क्या ले रहे हैं गौड़पाद वाशिकार, कहते कि नहीं दान से दान पुण्य ही लेना, कपड़ा लत्ता खाना पीना दक्षिणा पानी देना, यही दान को लेना, बहिर्वेदी दान अंतर्वेदी दान दोनों प्रकार के दानों को ही लेना है इसमें, ये दान से दैव शोधन धातु नहीं ले रहे हैं, डुदाई डुदाई दान धातु को ले रहे हैं, क्यों कहते हैं पूर्वोक्त सारी सिद्धियों का कारण अंतकरण शुद्धि है, और मनुष्य का अंतकरण शुद्धि देने से ही होता है, कि मनुष्य का स्वभाव क्या है कंजूस ना, कंजूस क्या मक्खी चूस भी है, दोनों होता है मनुष्य का स्वभाव, इसलिए मनुष्य गए प्रजापति के पास आया ना उपनिषद में द द द, असुर भी गए प्रजापति के पास, देवता लोग भी गए भगवान
हमको आपने पैदा करके संसार में छोड़ दिया है, हम करेंगे क्या? देवता लोग बोले भाई हम तो यश करते रहते, खूब मौज मस्ती, हमको तो भोग विलास की सारी साधन मिली हुई है, हमारे इंद्रियों में कोई कंट्रोल नहीं, हम खाते पीते मौज करते रहते। उन्हें कहा अच्छा द, तुम्हारे लिए ही उपदेश है द। असुर गए तो उन्होंने कहा हम तो भाई अपना प्राणों की संतुष्टि के लिए रमण करते हैं, और उसके लिए किसी को मारेंगे पीटेंगे कुछ भी करेंगे, लूटपाट के खा पी के करते हैं। उनको भी कहा द, समझ में नहीं आई उन्हें, नहीं देवताओं को समझ में आया द मने दमन, इंद्रियों का दमन करो। आश्रम को समझ में आया द मने दया करो, मारो पिटो मत दुनिया, लूटो मत, जा करो सब। और मनुष्य को भी बोले द, कहे तुम दान करो, कि तुम्हारी आदत है कंजूस होने का, इसलिए खुले हाथ दो, उससे तेरा अंतरण शुद्धि होगा। उसके लिए कंजूस की कहानी सुनाते हैं गुरु लोग ना। एक बार एक सेठ जी थे, और कभी मंदिर उंदिर जाते नहीं थे, कि देना पड़ेगा, दान करना पड़ जाता, और डर के मारे देना पड़े इस चक्कर मंदिरों में ही नहीं जाते थे। और घर के सामने भी कोई ब्राह्मण मन आ जाए घर पर तो गायब हो जाते, दुकान उगान भाग जाते, और पत्नी संभालती थी, देना ना पड़े, खुद के हाथ से कभी देते नहीं। एक बार ऐसी स्थिति आई, नया नया शादी हुआ था उनका बेटी का, अब शादी नहीं होता है तो होता ना लड़का भी आ, दामाद भी आ जाता, अब उसके साथ मजबूरी में मंदिर में जाना पड़ा, जाना पड़ गया तो उनका हालत खराब था। अब बड़े सीधे भगवान के सामने खड़े खड़े सोच रहे हैं, हे भगवान आज कैसे बचाओगे तुम ही जाने, आज हमारे हाथ से नोट ना निकले, बचाना तेरा काम है। यही प्रार्थना करते वो आरती गा रहे थे खूब मजे से, आरती हो गई, वो पंडित जो है आरती लेके सबके सामने आया, कोई 5 दे रहा है, कोई 10 दे रहा है, इसको तो हार्ट फेल हो रहा है, धक धक हो रहा है कि वो क्या रहा है, सब इतना दे रहे हैं और हम सेठ हैं, हम नहीं दें तो क्या कहें लोग, हैं पहली बार भी मंदिर में आया, पुजारी का बड़ा आशा रखता होगा करोड़पति सेठ आया है, 100 का नोट डालेगा है। अब सेठ जी जो है नज़दीक आने लगा तो पत्नी भी क्यों मारी, निकाल निकाल जल्दी कर, कुछ तो हाथ में निकाल ले। आओ पूरा आना एक सड़ा गला नोट लाया हुआ था, उसे हाथ डाला और उसको पकड़ लिया, और देना पड़े, इतना परेशान था वो, निकल लेगा, 1 रुपया जा रहा है तो घबराहट सा हुई, जैसे से नजदीक आने का थाली पसीना छूटा, पसीना छूटा तो बार बार नोट देखे थाली को देखे, और नजदीक आ रहा है थाली, नोट देखता है थाली को देखता है, इतने में नोट गिरी हो गई, और कहने लगा नोट रो रहा है, मेरे से अलग होना नहीं चाहता है, नोट मेरे से अलग होना नहीं चाहता है, रो रहा है, देखो ना गीला हो गया। पत्नी को बोलता है नोट रो रहा है, इतने में थाली सामने आ गई, खट से जेब में डाला और लगा। ये मनुष्य का स्वभाव के वर्णन करते हैं गुरु लोग, इतने कंजूस होते हैं। तो इसीलिए भगवान ने कहा कि दान दो, देना सीखो, वही अर्थ इसलिए आ ले रहे, दानंच सिद्धि हेतु, ये दान जो है अंतगण शुद्धि रूपा सिद्धि का कारण है। पूर्वोक्त सारी सिद्धियों का साधन क्या है? दान। ज्ञान दान दो, जो वस्त्र दान दो, जो तुम्हारे पास है उसी का दान दो, यही तो दुर्योधन ने दिया युधिष्ठिर को, क्या दिया? गालियां दी, रोने के क्या कर रहा है, तुम भी 2-4 गाली दे दो, कहते देने दो उसे गाली, उसके पास सही गाली देकर क्या हो, मेरे पास गालियां हैं मैं कहां से दूंगा, युधिष्ठिर ने यही कहा। गालिम क्या है, दियताम दियताम गालिम, ऐसे कोई श्लोक है महाभारत में, महाभारत का श्लोक है, उसमें लिखा देनो दे देनो दे गाली, उसके पास सही गालियां देने को और देगा क्या, दरिद्र है वो, गाली का उसे और कुछ है नहीं, कुछ हमारे पुण्य और धर्म आशीर्वाद के अलावा कुछ है नहीं मेरे जेब में, तुम्हें क्या करूँ, मैं तो तब भी उसका आशीर्वाद ही दूंगा तेरा भला हो, ऐसे संत पुरुष। तो जो है जिसके पास वही होते हैं, खाली तो करें, कुछ वासना क्षय हो जाएगी उसी के माध्यम। धनादि दानेन आराधितो ज्ञानी ज्ञानम प्रेच्छति, और विशेष रूप में किसको देना है, जैसे भगवान दियते यत दानम पात्रे देशे पात्रे देशे काले पात्रे, दियते दानम
देश काल और पात्र तीनों को देखना पड़ता है। और यहां पात्र किसको बोल रहे हैं? ज्ञानी को दान देना ताकि वो प्रसन्न होकर तुम्हें ज्ञान दे दे। धनादि दान आराधितो ज्ञानी, धनादि दान के द्वार आराधित पूजित सेवित जो धानी है ज्ञानी है वो क्या करेगा? ज्ञानम प्रेच्छति, वो धनदाता को अन्याय सेवादि करने वाले को ज्ञान प्रदान कर देंगे। इसे कहते धनदान, श्रमदान। आजकल क्या होता है, जिसको धनदान दे नहीं सकते तो श्रमदान देते हैं, शारीरिक सेवा, शरीर से सेवा कर झाड़ू पोछा लगा दिया, बगीचा फूल बाल संभाल लिया, खेती करने में मदद कर दिया, श्रमदान होता है, शारीरिक दान। इसको आलोचक नए भाषा होते कार सेवा करना, नहीं कार सेवा करते हैं पंजाबी लोग, क्या है शुरू ही कार सेवा। हमने पहली बार जब सुना कार सेवा, नहीं क्या कार सेवा, क्या करना है, कार को धक्का मारना है, कार सेवा है, कोई कार खड़ी हो उसको धक्का मारो, यही हमने सोचा, कार सेवा करना है उसकी तो धक्का मारना है। फिर बाद में समझ में आई नहीं, जो जूता पॉलिश करना भी कार सेवा है, झाड़ू मारना, तालाब धोना, सारा मंदिर धोना, ये सब का नाम कार सेवा है पंजाब में। और उसको राम मंदिर में कह दिया कार सेवा में चलिए, सबको भाषा सिखा दिया, कार सेवा मतलब मंदिर की सफाई, सेवा, श्रमदान इत्यादि दान है। सभी दान अनेक प्रकार के दान होते हैं, सभी प्रकार के दानों से आरज ज्ञानी ज्ञानम प्रेचती। असच युक्तायुक्तत्वे सूर्य बिरेव अवगंतव्ये, कहते हैं वाचस्पति मिश्र, मैंने आठ प्रकार सिद्धियों का अलग ढंग से वर्णन किया। गौड़पाद बहुत बड़े विद्वान ज्ञानी पुरुष हैं, उन्होंने अपने तरीके ढंग से व्याख्या किया है, दोनों की व्याख्या में आकाश पाताल का फर्क है, कौन सा सही है, कहते आप ही निर्णय लीजिए। कहते हैं अस्य च युक्तायुक्तत्व, मेरा व्याख्या युक्त है कि उनकी व्याख्या युक्त है, कौन सी व्याख्या युक्त है, युक्त है कौन सा युक्त है, अथवा कितने अंश में कौन युक्त है, दोनों युक्त हो तो कौन कितने कितने अंश में युक्त है, ये सारा चिंतन आप स्वयं विद्वान लोग करें। सूर्य भी रेव अवगंतव्य, विद्वानों के द्वारा स्वयं विवेचन करके समझ करके निर्णय लेना होगा, मैं इस विषय में कुछ नहीं कहता हूं। यदि कृतम परदोषोद्भावने, क्यों नहीं करना चाहते हो, गौड़पाद महाराज उन पर दोषारोपण कैसे दूं, उनकी व्याख्या में दोष कैसे उद्भावन कर सकते, किंग कृतम परदोष उद्भावने, पर व्याख्याओं में दोष को उद्भावन करने से क्या लाभ होगा, क्योंकि मेरा जो लक्ष्य समय व्याख्या जो कर रहा हूं सांघिकारिका का, सांघिकारिका की व्याख्या में अन्य दर्शनों का खंडन करना मेरा लक्ष्य नहीं है, न सिद्धांत मात्र व्याख्यान प्रवृत्ता नाम, क्योंकि हम कैसे हैं, हम तो केवल सिद्धांत मात्र व्याख्यान करना चाह रहे हैं, इस पर पक्ष विरोधी पक्ष विकल्प स्वपक्ष आदि का खंडन मंडन करने में हमारा कोई तात्पर्य नहीं है, लक्ष्य नहीं है, इसे हम स्वपक्ष वाले भी क्यों ना हो। वेदांत में स्वयुद्ध शब्द प्रयोग होता है, देखो भाष्य में और टीकाओं में, स्वयुद्ध अपने ही झुंड वाले कहीं हैं, विवाद खड़ा कर रखे हैं अपने घर के, स्वविरोधी तो ही है और अन्य दर्शन है बिल्कुल विलक्षण दर्शन वाले भी है, ये सांख वाले क्या है अपने से विलक्षण दर्शन वाले हो गए, और रामन जो वेदांत वगैरह विरोधी दर्शन वाले हो गए, नहीं वो विरोधी दर्शन वाले, और ये जो हमारे अंदर बैठे हैं, कोई सुरेश्वराचार्य कुछ बोल रहा है, विवरणाचार्य कुछ और बोल रहे हैं, इधर वाचस्पति मिश्रकार अपना और बोल रहे हैं, भामतिकार कुछ और राग आलाप रहे हैं, अनेकों वेदांत की प्रक्रियाएं अलग अलग बना दी गई है, साधकों की दृष्टिकोण से अपने अपने तरीके समझाने के लिए प्रयास किया गया है, तीन ये जो है ये स्वयुद्ध अपने झुंड के अंदर में परस्पर विरुद्ध बातें कहने वाले लोग, एक देशी लोग, तो कहते हैं हम एक देशी का ही विरोध करने नहीं प्रयास कर रहे हैं यहां पर, तो पर अन्य वेदांत दर्शन के गौड़पाद आचार्य आदि की व्याख्याओं का मैं क्यों खंडन करने, क्या लाभ है, मैं मेरा प्रयोजन है नहीं, इसलिए मैं इसका विवेचन नहीं करूंगा, विद्वान लोग स्वयं इसका निर्णय कर लें। और अब सिद्धि तुष्टि विपरीण आशक्ति बुद्धि वज सप्तदशधा द्रष्टव्यः, सिद्धि और तुष्टियों के विपर्य के द्वारा अशक्ति और बुद्धि, अशक्ति ही बुद्धि वज सप्तदशधा द्रष्टव्य, इस प्रकार अष्ट सिद्धि नव तुष्टि है ना, आठ सिद्धियों का विपरीत और नौ तुष्टियों का विपरीत, आठ दिन सोलह सत्रह हो गया,
यही सदृज्ञ है, बुद्धिवध कहा गया है। इसी का नाम बुद्धिवध, अशक्ति बुद्धिवध सप्तदशता। इसे उत्पन्न क्या होगा इन सत्र चीजों से, व्यक्ति अशक्ति को प्राप्त करेगा, समर्थ नहीं रहेगा ना, जिसको जो है वो करने का सामर्थ्य नहीं है, शब्द का सामर्थ्य नहीं है, अर्थक ज्ञान नहीं है, अध्ययन करने का सामर्थ्य नहीं है, या विघ्न आ रहे हैं, परेशान हो गया, नहीं पकड़ में आ रहे कुछ भी, वो क्या होगा अशक्त हो गया, शास्त्रों में प्रवेश करने में वो असमर्थ हो गया। यह असामर्थ्य ही क्या है, बुद्धिगत वध का, इसी का नाम बुद्धिवध। वह इसलिए कुल कितने हो गए, आठ सिद्धियों में से आठों का अभाव और नौ तुष्टियों के अभाव को लेकर के कुल सत्रह प्रकार के हो गए। अत्र प्रत्यय सर्ग सिद्धि रूपादेया, इनमें याद रखिए धर्म ज्ञान वैराग्य और ऐश्वर्य, ये प्रत्यय सर्ग कहा जाता है। इन प्रत्यय सर्गों की उपलब्धि के लिए सिद्धि उपादेय होता है। अब बता रहे साफ कौन सा उपादेय कौन सा हेय है। तन निवारण हेतु वस्तु, और सिद्धि का निवारण करने के जो साधन है कौन, विपर्यय अशक्ति तुष्टय हेयाः। जो विपर्यय बताया गया था अविद्या स्मृति राग द्वेष अभिनिवेश, और अशक्ति जो बताया गया आठ प्रकार सिद्धियों का भाव और तुष्टि, अशक्तियां सत्रह प्रकार की बुद्धिवध, और अंत में कह दिया तुष्टि स्वयं भी, तुष्टि का अभाव भी बाधक है, तुष्टि भी बाधक, दोनों ही बाधक। ये सब क्या है, इसलिए हेयाः इत्याह, ये सब हेय। इसलिए उपाय चार प्रकार के चीज पर वर्णन किया था, आठों को चार में कर दिया था ना, धर्म अधर्म ज्ञान अज्ञान वैराग्य अवैराग्य ऐश्वर्य ऐश्वर्य को चार में डाल दिया था, विपर्यय सिद्धि तुष्टि और अशक्ति। इनमें से सिद्धि उपादेय है, ग्राह्य है, और विपर्यय हेय है, अशक्ति भी हेय है, तुष्टि भी हेय है, क्योंकि ये सब हमारे मोक्ष में बाधक है। ज्ञान वैराग्य धर्म इनमें वो बाधक, सिद्धे है, इसलिए कार्यक्रम का सिद्धे हे पूर्वो अंकुश त्रिविधा, पूर्वो त्रिविधा सिद्धे अंकुश, पूर्व जो तीन है कौन, विपर्य अशक्ति तुष्टि, ये जो तीन है वो सिद्धे है अंकुश, सिद्धि पर अंकुश करने वाले हैं, अर्थ सिद्धि को बाधने वाले हैं, सिद्धि में रुकावट डालने वाले हैं, विघ्न जैसे पूर्व यदि विपर्य अशक्ति तुष्टि ही परामृशत है, पूर्व शब्द किसको लेना, विपर्य अशक्ति और तुष्टि, इन तीनों को परामर्श करते हैं। ताह वे क्या करते हैं, सिद्धि करणी नाम अंकुश निवारकत्वा, ये सिद्धि रूपी हाथनियों का क्या करने वाला है, ये हाथनियों के अंकुश के समान निवारक, माने आपके अंदर प्राप्त होने वाला है सिद्धियां, उन सिद्धियों को रोकते हैं, बाध देते हैं, माने शास्त्र ज्ञान की उत्पत्ति में रोड़ा डाल देते हैं, बाधा बन जाते हैं, इसलिए यह सब यही होता है। अब बार बार लोग पूछते ना हमें क्या करना चाहिए ज्ञान के लिए, बता देना नहीं क्या क्या करना है, विपर्य को त्याग दो, सिद्धियों में तुष्टियों को त्याग दो, अशक्तियों को त्याग दो, और ग्रहण क्या करो, सिद्धियों को ग्रहण करो। या सिद्धि से क्या बोला है, शब्द ग्रहण अर्थ ग्रहण उसका चिंतन मनन निध्यासन, ये अष्ट सिद्धि से तात्पर्य, वो नहीं अणिमा गरिमा लगिमा आदि, वो तो माया में फंसाने वाली चीजें, उल्टा उनको नहीं लेना है हमें, ये अलग सिद्धियां हैं, इन सिद्धियों को ही ग्रहण करना चाहिए, अर्थात शास्त्रों का ज्ञान ही ग्राह्य, शास्त्र ही ग्राह्य, और शास्त्रों में भी वह शास्त्र ग्राह्य जो सारभूत कथन कर रहा हो और मोक्ष में एकदम नजदीक आपको ले जाने के लिए समर्थ हो, नहीं तो अनंत शास्त्र बहुवेदित, बहुत शास्त्र है क्या क्या पढ़ोगे, फिर संसार शास्त्र जाल में ऐसे फंस जाओगे, संसार जाल से ज्यादा खराब है शास्त्र जाल, संसार जाल से निकलना आसान है, इन शास्त्र जाल से निकलना बड़ा कठिन, इतना खतरनाक जाल है, ऐसा शब्द जाल है कि संसार जाल में तो भाई दुख हो जाता है, कष्ट मिल जाता है, और वैराग्य वहां से हो भी जाता है, और शास्त्र जाल बैठे बैठे लगे रहते हो, दिमाग लगा हुआ है, दिमाग लगा हुआ है, सांख ने ऐसे बोला, योग ने ऐसे बोला, वो ऐसे बोल रहा है, ऐसे बोल रहा है, इन्होंने ऐसे कहा, उसने वैसे कहा, ये ठीक है कि वो ठीक है, वो सही नहीं ये सही है, कहीं राग द्वेष हो ही जाएगा, किसी शास्त्र के प्रति थोड़ा आप ज़्यादा वेदांत के प्रति थोड़ा प्रेम करने लग जाते, वेदांत का मोह हो जाता है, और अन्य दर्शन के प्रति बड़ा द्वेष हो जाता है, एक खिचड़ी में फंस जाता है,
दल दल है ये, इससे निकलना कठिन। ये देखा गया बड़े बड़े लोग पछड़े फंस गए हैं शास्त्र जाल में, इसी शास्त्रों से भी विरक्त होना पड़ता है। और शास्त्र में भी इसे यत सारभूतम तदुपासितव्यम कहा, जो सारभूत अपनी अपनी योग्यता के आधार निर्णय लेना चाहिए हमें कितने उपनिषदों पर ही महत्व करना है। फालतू 108 उपनिषद, 420 उपनिषद, 430 उपनिषद पढ़े हुए क्या फायदा है, उनको दिमाग लगा लगा सारे में। हाँ एक आधार पढ़ लो व्यंगम दृष्टि समझ में आ जाए कहाँ क्या है पता चला, न उसके बाद उसमें आसक्त नहीं होना, इन सबको त्यागना है। जानना जरूर है, नहीं तो नहीं जानेंगे तो अंदर में वो फिर कुटकुटाहट रहेगी, पता नहीं वो भाष्यकार ने सांख्य पर ऐसे बोला, पति सांख्य पर ऐसे ही बोलते हैं कुछ और है, इन्हें अपनी कल्पना कर लिया वो सांख्यकार ऐसे हैं। कई बार ऐसे लगता है जब भाष्य पढ़ोगे ना, इन दर्शनों को पढ़ने के बाद भाष्य पढ़ो तो लगता है सांख्य के अपने आचार्य शंकर अपने कपोल कल्पना कर लिए, सांख्य दर्शन में ऐसी बात ही नहीं है, ऐसे लगता है। वास्तविक चिंतन करेंगे तो नहीं नहीं इनके यहाँ बात है, और वो चुन करके बातों खंडन करते हैं सारे सांख्य दर्शन खंडन करें, तो वहां भी चाहिए हमें भी चाहिए, माया त्रिगुणात्मक को मानना है हमें भी, प्रकृति को हमें भी मानना है, प्रकृति का ही दो विभाग कर दे पंचदश में माया और अविद्या, प्रकृति हम ही मान रहे हैं, इन किस प्रकार का मानते नित्य मानते हो कि हम नित्य मानेंगे, उतने अंश में खंडन कर देते बाकी सब ठीक है वो। हाँ जितने अंश में विरोध है उतने मात्र खंडन हमें करना है, बाकी में नहीं जाना, बाकी ग्राह्य भी है, अविरोध अंश में ग्रहण करने में कोई आपत्ति नहीं। इसलिए वहां पर जितने अंश में वेदांत विरोध हो रहा हो स्वानुभूति में विरुद्धांश जो बाधक है उतने अंश को खंडन, इसे उस अंश को जहां खंडन कर रहे हैं किस तरह से खंडन कर रहे हैं उसको समझने के लिए इनके उस अंश को समझना पड़ता है पहले, तभी वहां सही समय समझ में आएगा और संशय विपर्य आपके अंदर का निवृत्त होगा। इसलिए हम लोग के जो छोटे महाराज जी थे ना हरिहर जी महाराज जो कैलाश आश्रम में हो, नया नया था मैं लघु सिद्धांत को मुझे पढ़ रहा था, उधर राष्ट्राध्याय भी उनसे ही रट रहा था, लघु दूसरे से पढ़ रहा था रामायण शास्त्री जी से, तो कुछ आश्रम के लोगों ने कहा नहीं मंडलेश्वर जो उपनिषद पढ़ाते हैं उसमें जरूर बैठना चाहिए, संख्या बढ़ा ध्यान इतने लोग सुन रहे हैं भीड़ होनी चाहिए, ऐसे कुछ चमचे होते हैं ना वो जबरदस्ती पीछे पड़े हम भी गए बैठ गए, और दो चौकी रखते थे मंडलेश्वर जी और एक छोटे महाराज जी बैठते थे, मंडलेश्वर जी पढ़ाते थे तो चुपचाप बैठे, जब मंडलेश्वर नहीं है तो वो पाठ पढ़ा चलाते थे। उन्होंने देखा मेरे को, एक दिन देखा, दो दिन देखा, तीन दिन चुप थे कुछ नहीं बोले। फिर चौथे दिन रास्ते में आज जब हम घूमने जाते वो भी हम भी जंगल पीछे पीछे घूमने जाते थे तो बोलते हैं महादेव, वो सबको महादेव नाम से किसको लगभग पुकारते ही नहीं थे किसी को भी, महादेव बोलते थे, महादेव आप क्या चाहते हैं, आप क्यों आए हैं आश्रम। उन्होंने कहा हमारा लक्ष्य तो वेदांत अध्ययन श्रवण निध्यासन है, लेकिन आप समझते हैं कि आप उसके इतने परिपक्व अधिकारी हैं। उधर मेरे पास मैंने कहा मेरे को कोई मेजरमेंट तो है नहीं, मैं कैसे कह दूँ मैं परिपक्व हूँ। मैंने कहा आप लोग समझें, आप जैसे आदेश देंगे वैसे करूँगा। फिर कहे तो कि जब तक पूर्व पक्ष समझ में नहीं आता है तब तक सिद्धांत पक्ष कोई पक्का नहीं होता, और ब्रह्मसूत्र पूर्व पक्ष में सांख्य भी आएगा, न्याय भी आएगा, वैशेषिक भी आएगा, मीमांसा भी आएगा, केवल पूर्व पक्ष में नहीं बल्कि मीमांसा तो सिद्धांत पक्ष को समझाने के लिए दृष्टांत रूप में ग्रहण किया पूरी तीसरी अध्याय। इसलिए पहले आप इन दर्शनों को पढ़े बिना सीधा वेदांत सुनना नहीं। ठीक है मैं कल से नहीं बैठूंगा, उस दिन से मैं बैठना पड़ता। फिर मंडलेश्वर जी बुलाए कहते आप क्यों नहीं आते, पहले तीन दिन तो लगातार आए, आजकल आप नहीं दिखा रहे। मैंने कहा महाराज जैसे ऐसी बात है, हमारा दृष्टिकोण केवल वेदांत श्रवण करना नहीं है, वेदांत संस्कार डाल दो और बाद में उस दिन संशय परे बना रहे अंदर में, वो मैं नहीं चाहता। सिद्धांत पक्ष
मजबूती के लिए हमने जैसे महाराज जी ने बता दिया है, इसलिए जब तक मैं सांख्य योग मीमांसा न्याय वैशेषिक पढ़ूंगा नहीं तब तक वेदांत श्रवण नहीं करना चाहता। गुरुमुख सुरेश बचपन से जो सत्संग सुना वही अभी हमको तंग कर रहा है, अब हम गौर नहीं और हम गलत रास्ते। होता क्या है, उन्होंने जैसे हम लोग वेदांत सुनते थे सत्संग, चंदानंद जी आते थे, ईश्वरानंद जी मोहन बाबा वाले आते थे, कई लोग आते थे, जब सुनते थे तो सुनाने वाले में सबसे भारी कमी हमने देखा, जितने भी वक्ता हैं वेदांत के वक्ताओं में सबसे भारी गड़बड़ी यह है, ये सब वादों को खिचड़ी कर देते। वेदांत के तीनों वाद हैं, सृष्टि दृष्टिवाद, दृष्टि सृष्टिवाद, अजातवाद, इन तीनों को कभी भी सम्मिश्रित नहीं करना चाहिए, उन प्रसंग को साफ करना चाहिए। ये सृष्टि दृष्टिवाद का प्रसंग है तो उसी तरीके से उसको समझाइए, और उसमें सृष्टि दृष्टिवाद में जो दोष है उसे निवृत्त करने के लिए आप उसको बता करके, इस दृष्टिवाद में ये दोष आता है, इस दोष के निवारण करने के लिए हमें आगे बढ़ना है दृष्टि सृष्टिवाद में, उसमें भी बीजांकुरणीय फंसती है तो उसका निवारण करने के लिए हमें अजातवाद को ले जाना है। ये क्रमशः समझाना चाहिए और उसको उत्पादन करना चाहिए, ऐसे न करके कोई भी मंत्र कहीं का कहीं उल्टा पुलटा बोल करके जाए व्याख्या कर। अब वो चक्कर में क्या होता है, आदमी ना अजातवाद को समझा, न सृष्टि दृष्टिवाद को ठीक समझ रहा है, न दृष्टि सृष्टि दृष्टिवाद को, कोई भी वाद दिमाग में स्पष्ट है ही नहीं। अब इसमें समस्या बनता क्या है, अब कहीं आप चिंतन पढ़ रहे हैं सृष्टि दृष्टिवाद का उपनिषद में, अब वहां मन में आ जाता है दृष्टि सृष्टिवाद की बात, और आपस में विरोध खड़ा हो जाता है, यहाँ ऐसे बोल रहे हैं वो तो बात हमने ऐसे सुना था, अब उसका जवाब वो नहीं निकाल सकता स्वयं। इसे सत्संग सुनने के लिए भी हमें अधिकारी पुरुष सुनना पड़ता है, आजकल ऐसे अधिकारी पुरुष सुनाने वाले भी नहीं मिलते हैं सुस्पष्ट अलग अलग करके साफ। एक शंकरानंद भारती जी थे, गुजर गए, बहुत अच्छे विद्वान थे, तो बोलते नहीं थे ज्यादा, इधर कथा प्रवचन सुनने वाले भी नहीं है, हम जिस जगह सुनाएंगे फायदा क्या है, अधिकारी में सुना करेंगे, सब खिचड़ी के अधिकारी हैं, कोई दाल भात अलग खाने का अधिकारी नहीं दिख रहे तो हम क्या करें, ऐसा बोलते थे। और कुंभ मेला में आए थे तो बहुत जबरदस्ती हम लोग पकड़ करके लाए, और किसी तरह से जो है बुलवाना है, कौन बुलवाए, हिम्मत किसी को नहीं, उनके सामने पर फटकार देते थे। और हमने जान बुझ के एक ऐसा प्रश्न डाला उनके सामने, तो पहले ही उठा के देखा, कब भी आएंगे बैठ गए आंख बंद किए तो खोल के देखेंगे, उठते वक्त ही खोलते, ऐसे निष्ठावान पुरुष, और जब बैठ प्रश्न सुना तो आंख खोल के देखे, फिर आंख बंद कर लिया, प्रश्न के जवाब शुरू कर दिया, आंख बंद किए तो खोले नहीं जब तक पूरी व्याख्या नहीं, एक एक ग्रंथि उस प्रश्न का खोलते, इतना सुंदर। और सोचा नहीं था हम लोगों ने 15-20 मिनट बोलेंगे और उठ जाएंगे, लोग यही सोचते, ज्यादा बोलते नहीं है, लेकिन प्रश्न किया देखते हुए उन्होंने जो है, और जो सामने बैठे थे उनका श्रामा जी महाराज जी बैठे हुए थे, अन्य लोग बैठे बड़े बड़े लोग, इसे उन्हें जान करके विस्तृत रूप में 1.5 घंटा लगता, अरे ऐसी धारा प्रवाह बोलते थे। तो उन्होंने कहा देखिए ऐसा प्रश्न पूछने वाले भी कठिन है, और पूछने के बाद हम समझाएं इस तरह से तीनों वाद के दृष्टिकोण से, इतना ही पूछा आपने, आध्यासिक जीव से कल्पनाया किम प्रयोजन, आध्यासिक जीव से कल्पनाया किम प्रयोजन, प्रश्न देखने में छोटा है, बहुत ज्ञान था उनके लिए, और बहुत विस्तार रूपेण उन्हें सृष्टि दृष्टिवाद की दृष्टि में जीव की कल्पना में क्या आवश्यकता है, दृष्टि सृष्टिवाद के दृष्टिकोण में क्या है, और अजातवाद के दृष्टिकोण में आवश्यकता क्यों नहीं है, वह तो सारी बात उन्होंने खुल कर समझा, बहुत गजब। तो आज तक वो सारी शब्द गूंजती है, इसलिए स्मृति करता हूँ तो सारे बात, तो ये समस्या आती है क्योंकि पूर्व पक्ष ही हमें स्पष्ट नहीं है, तो सिद्धांत पक्ष में ग्रहण नहीं हो सकता। इसे इनका कहना है कि हमें जब चिंतन करना है तो सिद्धांत पक्ष को पकड़ने के लिए तो पूर्व पक्ष है, ये तुष्टि में था क्या, सब पूर्व पक्ष ही एक तरह से है, अलग अलग चीजों का आता मान रहे हैं,
इंद्रियों का तो माना, किसी ने अहंकार का तो मान के बैठ गया, ये तो था तुष्टियां। ये सब क्या है? एक तरह से पूर्व पक्ष है और ये त्याज्य है। त्यागना है तो उसे जानना पड़ेगा जिसको हम त्याग रहे हैं। ऐसा ना हो कि जिसे त्यागना नहीं उसे त्याग दूं, सिर्फ जिसे त्याग रहा हूं उसको पहले समझो तब उसको त्याग। इसके लिए सभी दर्शनों को पढ़ना पड़ता है। अतः सिद्धि परिपंथित्व, सिद्धि के मार्ग में विरोधी होने के कारण से अंकुश इव इति, अंकुश के समान है इति विपर्य अशक्ति तुष्टि हो हेया इत्यर्थः। इस विपर्य अशक्ति और तुष्टि ये तीनों के तीनों हे ही होते हैं, ये सिद्ध हुआ।